हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर रोहित सिविल गुरुजी के सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी ने हमसे पूछा था कि कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस फ्रेशर्स के लिए इंटरव्यू में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, तो उस पार्ट के लिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए प्रॉपर सीरीज, जिसमें हर एक कंपनी में जा जाके मैं आपके लिए इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज लेकर आया हूँ, जिसका पार्ट टू आज हम कवर कर रहे हैं। पार्ट वन हम इसके पहले कवर कर चुके हैं, तो आप जाकर पार्ट वन का वीडियो भी देख सकते हैं। सो दोस्तों, इस इंटरव्यू सेशंस पर मैं पहुंच चुका हूं मेरे रेज्यूम के साथ, जो कि इंटरव्यूअर के हाथ में है, और उसी के साथ साथ लेकर पहुंच गया हूं सिविल गुरुजी का पोर्टफोलियो, जिसमें मैंने अपने सारे स्किल्स का पूरा डाटा मेंटेन करके रखा है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारा इंटरव्यू सेशन। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं तो आइए शुरू करते हैं। रोहित, टेल मी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। सर, देयर आर 6 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। फर्स्ट, फाइननेस, सेटिंग टाइम, साउंडनेस, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंसिस्टेंसी एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। वेरी गुड रोहित। Then what is the standard and nominal size of brick? Sir, the standard size is 190 mm cross 90 mm cross 90 mm as per BIS, Bureau of Indian Standards. And sir, nominal size is 200 mm cross 100 mm cross 100 mm including mortar thickness. Okay Rohit, good. Then tell me 5 admixtures used in concrete. Sir, 5 admixtures for concrete are, first, air entering admixtures, water reducing admixtures, retarding admixtures, accelerating admixtures and super plasticizers. Wow Rohit, very good. Then what is the duration of curing of concrete? Sir, as per IS 456-2000, curing duration is 7 days for ordinary Portland cement and 10 to 15 days for concrete with admixtures and hot and dry weather. अगर सर हम कॉन्क्रीट में एडमिक्सचर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 10 से 14 दिन का हमें वक्त लेना रहेगा क्यूरिंग के लिए, और यदि हॉट एंड ड्राई वेदर है तो भी हमें 10 से 14 दिन का वक्त लेना होगा क्यूरिंग करने के लिए। वेरी गुड रोहित, गुड आंसर। देन टेल मी विच IS कोड आर यूज फॉर रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट। सर, IS कोड फॉर RCC वर्क आर IS कोड 456-2000, IS कोड 1786-2008, IS कोड 2502-1963 एंड IS कोड 5525-1969। ओके रोहित, गुड। इन 7th डे एंड 28th डे विच टेस्ट इज डन, यानी कि 7वें दिन और 8वें दिन में कौन सा टेस्ट किया जाता है? हेलो इंजीनियर्स, आप सारे आंसर मुझसे ही जान लोगे? आप इसका आंसर कमेंट करके बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ, प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। हे इंजीनियर्स, मैं आपसे एक चीज तो जरूर शेयर करना चाहूंगा। हमारे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें एक मेंटर और गाइड की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, आप चाहे इस बात को माने या फिर ना माने। स्कूल से कॉलेज तक हमने एक मेंटर एक गाइड बनाया है, तभी हम आगे करियर पर आगे बढ़ पाए हैं। ठीक उसी तरह मुझे भी बहुत सारे स्किल्स की जरूरत थी, जो कि मुझे करियर पे आगे बढ़ाए। अगर आप भी इन स्किल्स के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे कि एस्टीमेशन, बिलिंग, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, बार बेंडिंग शेड्यूल और कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग, आप आर्किटेक्चरल के लिए ऑटोकैड सीखना चाहते हैं, रेविट आर्किटेक्चर, गूगल स्केचअप या फिर 3ds मैक्स की स्किल्स लेना चाहते हैं, या फिर स्ट्रक्चर के पार्ट के लिए ETABS, STAT Pro सीखना चाहते हैं, या फिर प्राइमावेरा और माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट करना चाहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पार्ट के लिए। अगर आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम या फिर क्वेरी फेस कर रहे हैं किसी भी स्किल से रिलेटेड, और चाहते हैं कि एक अच्छा मेंटर और गाइड आपको प्रॉपरली ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, तो आप जरूर कॉल करिएगा 9111001234 पर, और कॉल करके आप किसी भी पार्ट का डेमो ट्रेनिंग ले सकते हैं। आपके लिए डेमो ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आइए, आप ट्रेनिंग लीजिए डेमो ट्रेनिंग, और इस डेमो ट्रेनिंग में अपने स्किल्स को बढ़ाइए, अपनी लर्निंग को बढ़ाइए, और फिर डिसाइड करिए कि आपको आपका करियर किस तरह से आगे बढ़ाना है। तो आइए चलते हैं वापस से इंटरव्यू की ओर। So, Rohit, tell me what is bleeding? Sir, when cement and water
कम ऑन द टॉप, जब सर सीमेंट और पानी सतह के ऊपर आ जाता है और जो एग्रीगेट है वो सेटल डाउन हो जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्लीडिंग। वेरी गुड रोहित, देन टेल मी व्हाट इज सेग्रीगेशन। सर व्हेन ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ कॉन्क्रीट गेट सेपरेटेड, सर जब कॉन्क्रीट मिक्सचर में सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर सब सेपरेट हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेग्रीगेशन। ओके रोहित, देन व्हाट इज द कॉमन रीजन फॉर सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग किस वजह से होती है? यस सर, सर मोस्टली टू फैक्टर्स आर देयर। सबसे पहला रीजन सर वाटर सीमेंट रेशियो, अगर वाटर सीमेंट रेशियो को प्रॉपरली नहीं मैनेज या मेंटेन किया जाता है, उस वजह से सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग होती है। और इसके साथ साथ इम्प्रॉपर प्लेसिंग, अगर प्लेसिंग करते वक्त प्रॉपर ध्यान नहीं दिया गया मिक्सिंग करते वक्त एंड उसी के साथ साथ प्लेसिंग के वक्त भी, और यदि अगर हम एक पर्टिकुलर हाइट यानी कि 1 मीटर से ज्यादा की हाइट से हम कॉन्क्रीट को प्लेस करते हैं तो वहां पर सेग्रीगेशन के चांसेस और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। वेरी गुड रोहित, देन टेल मी व्हाट इज हनीकॉम्बिंग। सर After the removal of foam work from any structural member, सर जब हम किसी भी structural member से foam work हटाते हैं उसके casting के बाद, अगर उस जगह पर हमें किसी भी तरह के voids या hole दिखाई देते हैं तो उसे हम honeycombing कहते हैं। और सर ये improper compaction के वजह से होता है, जब concrete casting के वक्त हम improper compaction करते, compaction उसमें अच्छे से नहीं होता, उस वजह से यहाँ पर voids develop होते हैं जिसे हम हनीकॉम्बिंग कहते हैं। वेरी गुड रोहित, वेल डन। ओके, देन टेल मी व्हाट इज प्री एंड पोस्ट टेंशनिंग। हे इंजीनियर्स, अभी भी मेरे बताने का वेट कर रहे हो? आप इसका आंसर कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं आपको इसके पार्ट 3 में बताने वाला हूँ, आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ, कमेंट जरूर करिएगा। ग्रेट रोहित, यू लुक कॉन्फिडेंट, आर यू रेडी फॉर डिफिकल्ट क्वेश्चंस? सर I took online training from Civil Guruji. सर मैंने Civil Guruji से online training की है, जहां पर मैंने practical और software दोनों skills बहुत अच्छे से सीखी है, जहां पर मेरा confidence भी develop हुआ है और मैं बहुत सारी नई चीजों के बारे में जानकारी भी मिली है। तो सर मैं आपके difficult questions के लिए तैयार हूँ। आपकी लर्निंग और स्किल्स को आसान करने सिविल गुरुजी लाया है कॉप्स, यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस, 3 महीने की ऑनलाइन ट्रेनिंग। और इस ट्रेनिंग के सभी वीडियोस आपको मिलते हैं पूरे के पूरे लाइफ टाइम एक्सेस के साथ, जो आप कभी भी यूज कर सकते हैं, जिसमें आप सीखते हैं एस्टिमेशन, बिलिंग, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, बार बिल्डिंग शेड्यूल और कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग। सॉफ्टवेयर पार्ट में आप सीखते हैं ऑटोकैड, रेविट, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, ई टाइप स्ट्रक्चरल और रेज्यूम मेकिंग। अगर आप सोच रहे हैं कि इतने सारे स्किल्स की ट्रेनिंग फीस बहुत ज्यादा होगी जो इंडियन लेवल पर आपसे चार्ज की जाती है, तो नहीं, ना इसकी फीस 1 लाख रुपए है, ना ही इसकी फीस 60,000 रुपए है, ना ही 30,000 और ना ही 20,000। इन सभी स्किल्स के साथ आपको और एड ऑन कोर्सेज भी मिलते हैं, जैसे कि स्टैड प्रो, प्राइमावेरा, 3DS मैक्स, DPR और जॉब डिटेक्टिव। आप 9111001234 पर भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। सो इंजीनियर्स, अब किस बात का है इंतजार, करना है खास, तो चलो हमारे साथ सिविल के बाद गुरुजी के साथ। स्टार्ट योर लर्निंग नाउ।